नमस्कार साथियों, स्वागत है भव्य टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम देखने जा रहे हैं एम्पलीफायर है यूनिवर्सल UPA6500DP। साउंड का इशू है, सही नहीं आ रहा है। इनपुट दे दिया है, स्पीकर कनेक्ट है, प्लेयर से कनेक्ट कर लिया गया है। आइए ऑन करते हैं। देख रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, डिस्टॉर्टेड साउंड है। आइए खोल लेते हैं इसको, किस तरह की प्रॉब्लम है खोलने के बाद ही कुछ पता लगेगा। देखिए खोल लिया गया है इसको, जाले वगैरह हो रहे हैं, सफाई कर दी जाएगी। क्लीन हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो भाइयों, अब चेक कर लेते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी वीडियो में डायरेक्ट कोई कंपोनेंट्स चेंज नहीं करता हूँ, पहले हम ये जानते हैं कि किस जगह प्रॉब्लम है। आपको याद हो तो आहूजा 250 वाट का एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें देखिए ड्राइवर बोर्ड जो है इसी टाइप का था। तो ठीक है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन लगभग वैसा ही दिख रहा है। देखिए उसमें भी हमने बात करी थी 78-18 रेगुलेटर आईसी के बारे में, जो कि ये लगी हुई है इसमें, और एक प्रीसेट की बात करी थी, और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें। उस जगह पे 1K के थे, लेकिन यहाँ 820 ओम्स के हैं 2 वाट में। तो सेम वही इन जगहों पे हम वोल्टेज चेक करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि जो 18 वोल्ट है हमारे जो बन रहे हैं इसमें, वो 18 वोल्ट इस जगह आते हैं। उसके बाद हम इस जगह चेक करेंगे प्रीसेट के दूसरी पिन पर, उसके बाद में हम रेजिस्टेंस की इन दोनों इस पॉइंट्स पे चेक करेंगे, इन टर्मिनल्स पे। उसके बाद जो आउट होते हैं इस जगह, यहाँ चेक करेंगे, जो कि 30-55 ट्रांजिस्टर जो है हमारे प्री ड्राइवर के, उन पे जाता है। तो इस क्रम में हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं हमको, किस तरह के वोल्टेज प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो ये प्रॉब्लम आपने देखी थी आवाज़ की, वो करंट कम होना या ड्राइव वोल्टेज की सप्लाई पूरी नहीं बनना, उससे लेना देना होता है। अब ड्राइव वोल्टेज आगे तक हम बढ़े हैं, उसके पहले जहाँ से ड्राइव वोल्टेज बनने की शुरुआत होती है, वो चीज़ को पहले देखेंगे। और देखिए चेक करते हैं वोल्टेजेस। ग्राउंड के लिए हम कॉमन ये ले लेंगे पॉइंट, इस जगह हम ग्राउंड लगा लेते हैं, और इन सब जगहों के वोल्टेजेस चेक करते हैं।
कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले रिसीट के इस पिन पे चेक करते हैं, ठीक है 18 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखिए सेकंड पर चेक करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 8 वोल्ट 8.4। भाई शायद आपको पता हो 250 वाट की जब बात कर रहे थे आहूजा की, यहाँ जो वोल्ट आते हैं आधा एक वोल्ट कम होकर इस जगह प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ 8.4 आ रहे हैं, करीब 9 वोल्ट कम हो गए हैं। अब आगे भी इस तरीके से यहाँ भी गलती आएंगे वोल्ट, क्योंकि जब यहाँ गलत आ रहे हैं तो इस जगह भी गलती आएंगे। ये देखिए 7 वोल्ट आ रहे हैं। अब आपको और कुछ ध्यान आ रहा हो, मैं इसमें 250 वाट का जो है वो लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर देखें, उसमें सेम बोर्ड है। ये देखिए 0.66 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि इस जगह आने चाहिए अप्रोक्स, अब ये हाई 500 या 650 वाट का एम्प है ये, तो इस जगह पे इसमें जो वोल्टेजेस हैं वो लगभग 1 से 1.2 आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो सीधा सा रीज़न हो सकता है, 99% सिर्फ यही एक कारण होता है, अगर आगे जाकर कोई भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है, जैसे बहुत कम चांस है अगर शॉर्टिंग होती तो जो इस तरह के साउंड आ रहा है वो भी नहीं बनता, इसलिए 99 नहीं 100% मैं बोलूँगा प्रॉब्लम प्रीसेट कर है। देखिए हम रिपेयरिंग ट्राई करके तो बहुत कर लेते हैं, ये बदल के देखा वो बदल के देखा, पर जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपका रिपेयरिंग में टाइम ज़रा भी जाया नहीं जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के हिसाब से इसको इस तरीके से स्लो टेस्ट कर रहा हूँ, वरना ये 3 मिनट में रिपेयर होने वाला एम्प है इस कंडीशन में, अगर वो आगे कोई फॉल्ट और नहीं है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसा कि इसको रिप्लेस करना चाहिए वैसे, लेकिन एक बार इसकी क्लीनिंग करके देखते हैं और सेटिंग करके देखते हैं। रीसेट की सेटिंग प्रॉपर नहीं होने पर भी इतने वोल्टेज कम नहीं होते हैं, मुश्किल से 1 वोल्ट का वेरिएशन आता है, इसलिए आप ये मान के चलें रिसेट में प्रॉब्लम है। हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं क्लीनिंग करके, स्विच ऑफ करके। देखिए मैंने स्प्रे कर दिया है, पंद्रह 20 सेकेंड रहने के बाद एक बार हल्के ब्रश से इसको धीरे से साफ कर लेते हैं।
लगभग क्लीन हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं ऑन करके वोल्टेजेस। देखिए अभी भी वोल्टेजेस में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, कचरा हो सकता है कुछ ज़्यादा हो। एक बार इसको प्रीसेट को थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। प्रीसेट रिप्लेस करना ही होगा, तो आइए हम प्रीसेट रिप्लेस कर लेते हैं। साथियों प्रीसेट चेंज करने के पहले एक बार कंफर्म और कर लेते हैं। देखो उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे कंफर्म करेंगे। प्रीसेट की ही प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, प्रीसेट की जो दोनों पिनें हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, इनको किसी चीज़ से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कर ज़्यादा देर शॉर्ट नहीं रखना है क्योंकि इससे करंट बढ़ जाता है, लेकिन ये साउंड अगर क्लियर आ जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि प्रीसेट तो बदलना ही है। तो देखिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने इनपुट दे रखा है, आवाज़ आप सुन रहे हैं थोड़ी फटी फटी सी आ रही है, तो ये आवाज़ कुछ सेकंड के लिए मैं लगाऊंगा तो सही हो जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। आवाज़ साफ़ हो गई थी लेकिन साथ में हमिंग भी आ रही थी, तो हमिंग की वजह क्या है वो हम और देखेंगे बाद में, पर पहले ये तो कंफर्म हो गया कि इससे आवाज़ साउंड बन जाता है सही। तो प्रीसेट तो चेंज करना ही है हमको, तो हम पहले प्रीसेट चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ख़राब जो प्रीसेट है वो निकाल लिया है, अभी हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये नया प्रीसेट है, ये 470 ओम का प्रीसेट है, बिल्ड जो इसकी दी हुई है कंपनी से, तो लगा लेते हैं इसको। इसको रिप्लेस कर लिया है, अब एक बार इसको चेक करते हैं।
हम कर लेते हैं इसको। ऑन कर लिया है, एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या रहा। देखिए हम प्रीसेट पे चेक करते थे पहले भी, अभी देखते हैं एक बार। तो चेंज कर लेते हैं, ये देखिए 17.4 आ रहे हैं, ये देखिए अभी 15.4 यहाँ प्राप्त हो गए हमको, जो कि पहले हमको इस जगह 8.4 वोल्ट आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीसेट लगाने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज हमको मिल गए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी 1.2 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, ये 1.2 जो है वो एक बार थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फिर ज़रूरत होगी तो वापस से हम बढ़ाएंगे। इस प्रीसेट को थोड़ा सा मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये 1.1 के आसपास हो गया है। ठीक है, ये अभी चलेगा, सॉन्ग प्ले करते हैं एक बार। देखिए म्यूज़िक तो आ गया है, इसमें साउंड साफ भी आ रहा है लेकिन हमिंग के साथ आ रहा है। तो ये हमिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये अभी इसमें एक फाल्ट और बन के आ रहा है सामने, बाकी आवाज़ साफ हो रही है लेकिन हमिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। इसमें दो फाल्ट हो गए हैं, पहला फाल्ट निकल गया है। ज़्यादातर जो एम्प कर रहा हूँ मैं आजकल उसमें सब में ड्यूल फाल्ट ही आ रहे हैं। वीडियो लंबे भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सीखने मिलेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखिए इनका अभी जो ये जो हमिंग है ये सप्लाई से रिलेटेड हो सकती है, तो हम अभी जो इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं ये आपके जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इन पे एक नज़र मारेंगे, इनकी ड्राई शोल्डर तो नहीं है ये चेक करेंगे, या कोई ख़राब तो नहीं है ये चेक करेंगे। तो इन पैड्स को एक बार मैं खोलता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या फॉल्ट है इसमें आगे। देखिए कैपेसिटर वाला एक बोर्ड हमने खोल लिया है, अब इसमें एक कैपेसिटर देखिए थोड़ा फूला हुआ भी नज़र आ रहा है, अभी पूरी तरह से ख़राब है या नहीं वो तो बाद में पता पड़ेगा, इसी कारण हो रही नहीं। और एक ये जो कैपेसिटर है ये आप थोड़ा सा देखिए, आप ये हिल रहा है तो ये ड्राई सॉल्ट हो सकते हैं। तो आइए इनको एक बार हम सॉल्ट कर लेते हैं।
इस बोर्ड को भी खोल लेते हैं, इसमें भी काफ़ी लूज लगा हुआ है। ये देखिए निकल भी गया है। इस तरह का फॉल्ट भी गड़बड़ कर सकता है। सब सप्लाई का पूरा एक बार प्रॉपर कर लेते हैं सब वायरिंग, फिर देखते हैं। तो भी सही कर देते हैं। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। देखिए कैपेसिटर सब कर दिए गए हैं सही टाइट। ये एक बार में बदलेंगे हम, क्योंकि डैमेज है, लेकिन फ़िलहाल सही है, सप्लाई पूरी बन गई है। इसको भी फिट कर दिया गया है, अब एक बार चला के देख लेते हैं। पावर ऑन है, फ्लेयर ऑन कर दिया गया है। साउंड आ गया है, स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है भाइयों, सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है, इसको पैक कर लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।